आज के वीडियो में हम लोग वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी को शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो रीढ़ का हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम वो 26 होता है। सबसे पहले सर्वाइकल होता है, फिर थोरेसिक है, फिर लंबर है, फिर सैकडल है और कॉकिक्स है। तो याद रखने का तरीका है, सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होता है, थोरेसिक वर्टिब्री 12 होता है, लंबर वर्टिब्री 5 होता है, सैक्रम 5 होता है लेकिन फ्यूज होकर के 1 काउंट होगा, और कॉकिक्स 4 होता है फ्यूज होकर के 1 काउंट होगा। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें या शॉर्ट ट्रिक में हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं, तो सबसे पहले समझिए सी टी एल एस सी, सी फॉर सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉकिजियल, ये 7 होता है। ये उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 12 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद जो 5 होता है वो फ्यूज होकर के 1 काउंट होगा, और लास्ट वाला जो कॉकिक्स है वो 4 होता है लेकिन फ्यूज होकर के 1 काउंट होगा। तो आप ऐड कीजिएगा तो 7 और 12 19, उसके बाद ये 5 24, उसके बाद 1 ये 5 एक फ्यूज होकर के 1 हुआ तो 1 ही काउंट होगा तो 25, और लास्ट वाला 4 है लेकिन फ्यूज होकर के 1 है तो काउंट 1 होगा। तो कुल मिलाकर के हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है रीढ़ की हड्डी में 26 बोन होता है, और हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे सी टी एल एस सी, सी फॉर सर्वाइकल, टी फॉर थोरेसिक, एल फॉर लंबर, एस फॉर सैक्रल एंड सी फॉर कॉकिजियल।